वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अकार्बनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 4 पृष्ठ रसायन के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है वह कहलाता है। तो इनमें से वो चारों क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है मंदक, तीसरा ऑप्शन है वर्धक और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेरक विष। तो इसका सही आंसर है उत्प्रेरक विष, यानी कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट करते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के उत्प्रेरणों में से किसे अधिशोषण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा ऑप्शन है विषमांगी उत्प्रेरण, तीसरा ऑप्शन है एंजाइम उत्प्रेरण और चौथा ऑप्शन है अम्ल क्षार उत्प्रेरण। तो इसका सही आंसर है विषमांगी उत्प्रेरण। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन विष का कार्य करता है? SO2, NO, AS2O3, H3PO4। तो इनमें से जो विष का कार्य करता है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि AS2O3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं निकल, प्लैटिनम, फेरस और कॉपर। तो इसका सही आंसर है प्लैटिनम, यानी कि PT। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? पहला ऑप्शन है गैस में द्रव, दूसरा ऑप्शन है द्रव में गैस, तीसरा ऑप्शन है द्रव में द्रव और चौथा ऑप्शन है गैस में ठोस। तो इसका सही आंसर है द्रव में गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है? पहला ऑप्शन है ठोस उत्प्रेरकों में, दूसरा ऑप्शन है गैसीय उत्प्रेरकों में, तीसरा ऑप्शन है द्रव उत्प्रेरकों में और चौथा ऑप्शन है सभी में। तो ये केवल ठोस उत्प्रेरकों में उपयोगी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ब्राउनियन गति का कारण है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन ब्राउनियन गति का कारण है? तो पहला ऑप्शन है द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, दूसरा ऑप्शन है कणों का आकार, तीसरा ऑप्शन है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात और चौथा ऑप्शन है कोलाइडी कणों पर आवेशन का आकर्षण व प्रतिकर्षण। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, यही ब्राउनियन गति का मुख्य कारण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की परास में है विलयन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कोलाइडी विलयन, सेकंड ऑप्शन है वास्तविक विलयन, थर्ड ऑप्शन है निलंबन और फोर्थ ऑप्शन है संतृप्त विलयन। तो इसका सही आंसर है कोलाइडी विलयन, क्योंकि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार ही 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के लगभग में होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, औषधियां किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, यानी कि जो मेडिसिन होती हैं वो किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कोलाइड, सेकेंड ऑप्शन है विलयन, थर्ड ऑप्शन है ठोस और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है, कोलाइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलाब कोलाइड से भिन्न है? क्रिस्टलाब और कोलाइड दोनों में क्या फर्क होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कणों के आकार में, सेकंड ऑप्शन है वैद्युतीय व्यवहार में, थर्ड ऑप्शन है कणों की प्रकृति में, फोर्थ ऑप्शन है विलयता में। तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, कणों के आकार में। अगला क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? पहला ऑप्शन है गैस में द्रव, दूसरा ऑप्शन है द्रव में गैस, तीसरा ऑप्शन द्रव में द्रव और चौथा ऑप्शन है गैस में ठोस। तो इसका सही आंसर है गैस में द्रव, यानी कि फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है? पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है गंधक, तीसरा ऑप्शन है जिलेटिन और चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो इसका सही आंसर है वो है गंधक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है? फर्स्ट विधि है पैप्टीकरण, सेकंड है स्कंदन, थर्ड है अपोहन और फोर्थ है ब्रांडिंग की आर्क विधि। तो इसमें से जो सही विधि है वो है अपोहन। अपोहन विधि के जरिए ही कोलाइडों को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद है, स्वर्ण संख्या संबंधित है?
इसमें से स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है? पहला है द्रव स्नेही कोलाइडों से, सेकंड है द्रव विरोधी कोलाइडों से, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है पायस से, और फोर्थ ऑप्शन है जेल से। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन से ये संबंधित है, द्रव स्नेही कोलाइडों से। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है, फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकंड ऑप्शन है Na2SO4, थर्ड ऑप्शन है Na3PO4, फोर्थ ऑप्शन है BaCl2। तो जो सबसे प्रभावी है वो है BaCl2। इसके बाद है दूध एक उदाहरण है किसका, फर्स्ट ऑप्शन है झाग का, सेकंड ऑप्शन है पायस का, थर्ड ऑप्शन है जैल का, और फोर्थ ऑप्शन है सॉल का। तो सही आंसर है पायस का। इसके बाद क्वेश्चन है द्रव एरोसोल है फैनित क्रीम, धुआं, धुंध या फिर दूध। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि धुंध, द्रव एरोसोल धुंध है। इसके बाद है कोलाइडी कणों का साइज का आकार लगभग होता है, तो जो साइज का आकार होता है उसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक, सेकंड ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम तक, और थर्ड ऑप्शन है 500 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक कोलाइडी कणों का साइज होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ फोर्थ चैप्टर के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।